मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं हम लोग समय समय पे अपना जो छिड़काव कार्य है वो जल सुचारू रूप से रखते हैं। हमने कोरोना के टाइम पे 40 टर्नेडो नाम की एक मशीन हम लोगों ने क्रय की थी, जो के माध्यम से समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वच्छता पे हम लोग विशेष ध्यान रखें, खासकर अभी बरसात का मौसम चल रहा है, अनेकों प्रकार के की बीमारियां फिलहाल हम लोगों के बीच में है, और इसका मूल मंत्र जो है वो है स्वच्छ एनवायरनमेंट। अगर हमारे आसपास सब चीज़ स्वच्छ होंगी तो बीमारियों से बहुत हद तक हम लोग जो है लड़ पाएंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, देश के जो प्रधानमंत्री है, भारत उज्ज्वल रेलवे स्टेशन हाईटेक स्टेशन बनने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की प्रत्येक समस्या एक एक समस्याओं को वो सुनते हैं, छूते हैं और उसका निवारण करते हैं। आप ये देखिए कि हाईटेक स्टेशन बनने से हम लोगों को कितना लाभ होगा। दो स्टेशन्स रुड़की और हर्रावाला जो इस टाइम अस्तित्व में आ रहे हैं, ये एक रुड़की के स्टेशन पे भी आप देख रहे होंगे अभी दबाव ज़्यादा है, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, तो उस हिसाब से जब ये बड़े स्टेशन्स बनेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें लाभ होगा। इसमें रेल भी ज़्यादा आएंगी, मुझे उम्मीद है कि नई लाइन्स भी इससे जुड़ेंगी और कई हद तक इसका लाभ जो है रुड़की वासियों को मिलेगा। उधर हर्रावाला स्टेशन पर आप देखिए कि एक बड़ा स्टेशन अगर हर्रावाला पे बन जाएगा तो जो ट्रेन इस टाइम पूरे शहर को अस्त व्यस्त करके बीच शहर में प्रिंस चौक के पास जाती है, कई रेलवे फाटक अब उसके बीच में पड़ते हैं क्रॉसिंग्स, जिसके कारण पूरा शहर जाम रहता है, तो उस जाम से जो है निजात मिलने जा रहा है। एक अच्छी सोच, एक अच्छी पहल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, हमारे सांसद साहब की इसमें है। सर नगर क्षेत्र में किस तरह का छिड़काव आपकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आगे लगातार मलेरिया वगैरह जो होता है लगातार होता है। देखिए, हम लोग समय समय पे अपना जो छिड़काव कार्य है वो जल सुचारू रूप से रखते हैं। हमने कोरोना के टाइम पे 40 टर्नेडो नाम की एक मशीन हम लोगों ने क्रय की थी, जो उस टाइम सर आपकी काफ़ी सराहना भी की गई थी, बहुत बहुत धन्यवाद। उस टाइम पे उस मशीन का काम सैनिटाइज करने के लिए हुआ था और उसके बाद उसी को ही हम लोगों ने छिड़काव के लिए उस गाड़ी को इस्तेमाल करके देखा और वो एक कारगर जो है हमारा साधन रहा, और हम उसके माध्यम से ये ड्राइव चलाते रहते हैं, हम लोग छिड़काव करते रहते हैं जल्दी जल्दी। धन्यवाद।